बसंती नाम है भाई इसका, देख रहे ना भाई, खूबसूरत घर है यहाँ पर, बस दिल चाहता है कि देखते ही रहो। ये देखो भाई, ओए 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 आ गए भाई। हिल एरिया की चढ़ाई ये देखें आप, देख रहे हैं ना आप, ये सामने घर और ये हम चढ़ाई पे चढ़े चले आ रहे हैं ऊपर। ये एक्सकेवेटर मशीन एक दफ़ा फिर मट्टी लेके बाहर निकला पंजा। अब आपको ज़्यादा क्लियर पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा होगा, नारियल बाग है भाई ये। अच्छा, नई आबादी है, नई बस्ती है, तो घर भी खूबसूरत और शानदार बन रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, जो पहाड़ी इलाके थे ना वहाँ सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना ज़मीन के लेवल पे, कंस्ट्रक्शन साइट एक घर की, घर बहुत ही सादा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा घर। यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉक 1 हिल एरिया में पोर्शन बनाने पे मुकम्मल पाबंदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, ये है डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी रोड और सामने है कराची पब्लिक स्कूल। और ये है कराची यूनिवर्सिटी रोड। तो आज हम आपको विज़िट करा रहे हैं गुलिस्ताने जौहर ब्लॉक 1 का, जो सामने आपको नज़र आ रहा है। टेम्परेचर है इस वक्त कराची में, इस इलाके में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, शदीद गर्मी, तेज़ धूप, आसमान बिल्कुल क्लियर, हवा की रफ़्तार सिर्फ 4 किलोमीटर है, ओनली 4 किलोमीटर हवा की रफ़्तार है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि किस कदर गर्मी है इस वक्त, जबकि ह्यूमिडिटी है 22%। तो चलें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 का विज़िट करते हैं। डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी बहुत काबिल शख्सियत थे, उनके नाम से ये सड़क मौसूम है। ये नर्सरी बनी हुई है, पहले यहाँ पे झोपड़ियाँ थीं जिसमें आग लगी और वो सब जल के खाकस्तर हो गईं। हिंदू फैमिलीज़ रहती थी यहाँ ज़्यादातर। सड़कों का हाल, इलाका, घर, मोहल्ले, क्या कुछ है यहाँ पर, वो सब जानने की कोशिश करते हैं अपने इस छोटे से व्लॉग में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक दो बातें ज़रूर बता दूँ शुरू में ही। देखिए, हम जो ये इलाके आपको दिखाते हैं ना, वो पूरे कवर नहीं हो सकते एक ही व्लॉग में, जो कि ज़्यादा 20 मिनट, 15 मिनट या 25 मिनट का बनेगा या 30 मिनट का बन जाएगा। ये है अंजुमन तरक्की उर्दू, ये नई बिल्डिंग बनी है अंजुमन तरक्की उर्दू की, उर्दू की तरक्की के लिए यहाँ पे काम होते हैं, किताबें बनती हैं, छपती हैं, लिखी जाती हैं। तो मैं बता रहा था कि सब के सब इलाके को मुकम्मल तौर पे कवर होना नामुमकिन है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। यह है ऐवान जोश, जोश मलिह आबादी के नाम पर रिसर्च सेंटर है ये। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाएं, गलियां दिखाएं, उनमें आपके घर होते भी हैं और कभी कभी मिस भी हो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है हम करीब से ही घूम जाते हैं दूसरी तरफ गली में। ये है सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस, गुलिस्तान जौहर का ऑफिस है ये 112 का। अच्छा, ये इलाका है पहाड़ी, तो चढ़ाई यहाँ पे आपको बहुत मिलेगी। ये है रूट्स मिलीनियम स्कूल, तो यहाँ चढ़ाई बहुत होती है भाई, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये। तो कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करें, इलाके को आपको दिखाएं। तो कभी मिसिंग हो जाती है कुछ चीज़ों की, नहीं पहुंच पाते हम, तो उसके लिए बहुत माजरत। कुछ सड़कें बनी हुई हैं और कुछ इस तरीके से अभी तक उन पे काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से प्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं बाउंड्री वॉल के अंदर,
जैसे कि ये वाला प्लॉट है, यहाँ भी अंदर लोग रह रहे हैं झोपड़ियाँ डाल के, नए नए घर भी बन रहे हैं यहाँ पर सामने, डबल स्टोरी घर, बल्कि ग्राउंड प्लस टू बन रहा है। तो भाई कभी मिसिंग हो जाती है तो माफ़ कर दें भाई उसके लिए, लेकिन हम जानबूझ करके ऐसा नहीं करते हैं। और फिर इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आपको भी देखने में मुश्किल लगेगा। ये सब झोपड़ियाँ इस साइड पे देखें, कितना खूबसूरत घर बना हुआ है, बहुत सादा और ज़बरदस्त। यहाँ से रास्ता बंद है। अच्छा, यहाँ पे ये सब सूरत हाल आपको बहुत मिलेगी कि रास्ते बंद होते हैं बैरियर लगा के। उसकी वजह जो बुनियादी अब बहुत ज़्यादा है वो ये है कि चोरी की वारदातें, चोरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, महंगाई बहुत बढ़ती चली आ रही है। तो इन वारदातियों से बचने के लिए बैरियर लगाए जाते हैं ताकि उनको आने और जाने का रास्ता ना मिले। आगे यहाँ भी बैरियर लगा हुआ है, आगे भी घर बन रहे हैं। हम वापस यहाँ से बाहर निकलते हैं, रूट्स मिलीनियम स्कूल की बिल्डिंग यहाँ से भी नज़र आ रही है। ये एक और घर तैयारी के मराहिल में। अच्छा, नई आबादी है, नई बस्ती है, तो घर भी खूबसूरत और शानदार बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉक वन हिल एरिया में पोर्शन बनाने पे मुकम्मल पाबंदी है, अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह है जामे मस्जिद आयशा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक वन की, काफ़ी मशहूर और बहुत अहम मस्जिद है ये। अभी जब हम पीछे से आए थे ना तो रास्ता बंद था, अब हम दूसरी तरफ से घूम के आए तो अब आपको नज़र आएगा सामने, ये था वो बैरियर। हम दूसरी तरफ जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ तक आए थे, इधर से निकलते हैं। यहाँ आपको खाली प्लॉट भी बहुत मिलेंगे और तैयार बैंगलोस भी आपको नज़र आएंगे। क्योंकि नई आबादी है, नई बस्ती है, तो साफ़ सुथरी भी है, सड़कें जहाँ बनी हुई हैं वो भी ठीक ठाक बनी हुई हैं। छोटे छोटे गार्डन भी लोगों ने बना रखे हैं जिससे खूबसूरती में काफ़ी इजाफा होता है। ब्लॉक वन गुलिस्तान जौहर हम आपको दिखा रहे हैं, हिल एरिया है ये। सी कैटेगरी है ये, और ये दरमियान में पार्क जो अभी बना नहीं है, खैर बन जाएगा पार्क भी इंशाल्लाह। ये कंस्ट्रक्शन साइट एक घर की, खूबसूरत खूबसूरत घर है, एक से बढ़ के एक शानदार घर यहाँ मौजूद है। अब जाहिर है नई टेक्नोलॉजी, नई साइंस, नई रिसर्च, नई मैपिंग के तहत ये सब कुछ बनाया जा रहा है, तो अब खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं घरों के, जो सादे हैं लेकिन बने हुए बहुत ही खूबसूरत और शानदार। ब्लॉक वन गुलिस्ताने जौहर,
खामोशी है, बहुत ही खामोशी है, कोई शोर शराबा या कोई मसले मसाइल आपको यहाँ नहीं सुनाई देंगे। लोग खामोशी के साथ अपने अपने घरों में पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ब्लॉक वन, गुलिस्तान जौहर। यह है जामा मस्जिद मदनी का बोर्ड लगा हुआ है। घने दरख्त, सायादार। दो दरख्त लगा देना आप अपने घर के बाहर तो देखें माहौल कैसा हो जाता है, आपके अपने घर का माहौल। यहाँ लेकिन सड़क काफ़ी ख़राब है। स्पेशली नीम का दरख्त हो तो बात ही कुछ और है। और ये काफ़ी यहाँ पे नीचे रास्ता जा रहा है, काफ़ी ढलान है और यहाँ पे फ्लैट की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, साथ साथ में ऊंची बिल्डिंग। देखते हैं ये रास्ता कहाँ जा रहा है, काफ़ी ढाल में है और मोटरसाइकिल तकरीबन नीचे जा रही है। केले के पौधे, यहाँ सड़क तो बिल्कुल ही तबाह हाल है भाई। ये है कोमल हेवन, फूड पांडा वाले बैठे हुए हैं ऑर्डर के इंतजार में। झोपड़ियाँ खाली प्लॉटों पे बनी हुई, देखें कितना खूबसूरत घर, बहुत ही सादा, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा घर। और ये वाला घर तो बहुत ही शानदार है भाई। ये जो बाउंड्री वॉल के अंदर है ये तो बिल्कुल जंगल बना हुआ है, अंदर कहीं जाके इसमें घर मिलेगा आपको। ये ब्लॉक वन है गुलिस्तान जौहर का, ये पीछे घर है, ये पार्क है, ये क्या नाम है, नारियल बाग है भाई। ये देखें नारियल के पौधे भी खूब लगे हैं वहाँ पे। अच्छा, मकानात सड़क के लेवल से काफ़ी ऊपर करके बनाए गए हैं। देखें अंदर पीछे ना इसमें घर बने हुए हैं। कहानी कुछ ये है कि ये शूटिंग के लिए जगह है ये, और यहाँ पे ड्रामा और फिल्मों की शूटिंग की जाती है, रेंट आउट करते हैं ये लोग। ये भी झोपड़ियाँ हैं इस प्लॉट पे भी, बेलें किस खूबसूरती से बिछी हुई हैं ज़मीन पर और दीवारों पर। ये अगेन ये फिर ऊंची जगह है, ऊपर जा रहा है ये सिलसिला, ये दीवारों का, दरख्तों का, सड़कों का और मकानात का। अब ब्लॉक वन गुलिस्तान जौहर का ख़ुद इतना बड़ा है कि ये कोई आसान काम नहीं है एक ही वीडियो में इसको कैप्चर कर लिया जाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं भाई कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। सड़कों का हाल देखिए आप। अच्छा, जो पहाड़ी इलाके थे ना वहाँ सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना ज़मीन के लेवल पे, तो वहाँ देखिए हालत क्या हुई हुई है, तबाही फैली हुई है। क्यों? कि सीवरेज का पानी ठहर जाता है सड़कों पे और वो सड़कों को तबाह कर देता है। अब साए में आप हैं ना, तो इतनी शदीद गर्मी भी पता नहीं चल रही आपको, मौसम ठंडा हो गया। ये चौकियाँ बनी हुई चौकीदारों के लिए, पीछे साइड पे आपको फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं। ये स्कूल की वैन्स खड़ी हुई हैं,
आसमान, कैंपस 16, वालेकुम अस्सलाम, यूट्यूब चैनल पर है। हाँ, ये एक और घर खूबसूरत सामने आपको नज़र आ रहा है। मतलब हर दूसरा घर ना पहले से खूबसूरत होता चला जा रहा है। नई आबादी है तो फ़ायदे भी हैं। दरख्त कितने घने सायेदार हैं यहाँ पर, कि सड़क साए में है मुकम्मल तौर पे। सी कैटेगरी के घर हैं ये, काफ़ी कुशादा जगह है। ये है डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद स्ट्रीट, सामने वाली स्ट्रीट का नाम है। ये सामने सीधा जाएंगे तो कराची यूनिवर्सिटी में जाके कनेक्ट हो जाती है, लेकिन रास्ता ये भी आगे से बंद है। बादाम का पौधा लगा हुआ है। और यहाँ पे ये भुट्टा, और ये है मुफ्ती मुनीबुर रहमान रोड। मुफ्ती मुनीब साहब ने इसका इफ्तिताह किया था 12 अक्टूबर 2020 को। इस रोड का नाम है मुफ्ती मुनीबुर रहमान रोड है इस रोड का नाम। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत घर है। तो देखिए, जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। मुख्तलिफ इलाकों की अपडेट की सीरीज़ में आज हम आपको गुलिस्तान-ए-जौहर ब्लॉक 1 के एक हिस्से का दौरा करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे घर हैं, कैसे मोहल्ले हैं, कैसे दरख्त हैं, कैसी शाहराएं हैं, सड़कें हैं। ये बी कैटेगरी आ गई, ये बी कैटेगरी का घर है। नीम के दरख्त दरमियान वाले हिस्से में भी लगे हुए हैं, खजूर का दरख्त भी मौजूद है। बहुत ही साफ सुथरा पुरसकून इलाका है, यानी कि बस दिल चाह रहा है यहाँ चारपाई बिछाएं और सो जाएं। इतना सुकून है यहाँ पर। इक्का दुक्का गुजरती हुई गाड़ियों का शोर सुनाई देगा आपको कभी कभी, या परिंदों की चहचहाने की आवाज़, या फिर गुज़रते हुए जहाज़ों की आवाज़। गार्डन्स बनाए हुए लोगों ने खूबसूरत खूबसूरत, जिसकी वजह से घर और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेते हैं। ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये भी यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जा रहा है। ये कमर्शियल पट्टी है यहाँ की, फ्लैट साइट। मैकेनिकों की यहाँ भी भरमार है। ये सब फ्लैट साइट्स हैं, सारी की सारी लाइन से फ्लैट बने हुए हैं। तो चलें, ये है पेट हेल्थ सेंटर। आजकल पेट का शौक भी बहुत बढ़ गया है हर इलाके में। तो ये है ब्लॉक 1 गुलिस्तान-ए-जौहर में जाने का एक और रास्ता, सर्विस रोड। और यहाँ पे काम चल रहा है, तरक्याती काम, एक्सकेवेटर मशीन की मदद से खुदाई हो रही है और ये सब मिट्टी निकल रही है यहाँ से। ये फ्लैट्स बने हुए हैं यहाँ पर।
ये एक्सकेवेटर मशीन एक दफ़ा फिर मट्टी लेके बाहर निकला पंजा। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये देख रहे भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी, बसंती नाम है भाई इसका, देख रहे हैं ना भाई। चलें खैर हम अंदर चलते हैं, ब्लॉक वन गुलिस्तान जौहर का मज़ीद आपको कुछ दिखाते हैं इलाका। ये यहाँ से ब्रिज की लाइन डाली जा रही है, यहाँ से रास्ता अंदर जा रहा है, देखते हैं यहाँ भी तो ब्लॉक वन के इस हिस्से में क्या है। केबल वगैरह पड़े हुए हैं, अच्छा ये वही रोड है जहाँ हम पीछे से आए थे ना कमर्शियल, हमने आपको कहा था वो फ्लैट सामने नज़र आ रहे हैं। इस साइड पे घर बने हुए हैं, बी कैटेगरी के घर हैं ये, 120 गज के, सॉरी 400 गज के, ये सब 400 गज की कैटेगरी है, बी कैटेगरी। दरख्तों के तनों के साइज देख लीजिए आप, माशाल्लाह लाइन से दरख्त लगे हुए हैं, काफ़ी दर्जन भर के करीब दरख्त मौजूद हैं जिनके साए में ये सब गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये गली अंदर जा रही है, अंदर चलते हैं थोड़ा सा, ये सभी आपको दिखाते हैं। तो देखिए जानिए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक वन के इलाके को, और यहाँ भी डकैती से बचने के लिए, महफूज रखने के लिए देखें आप गेट लगे हुए हैं प्रॉपर, ये ज़रूरी हो गया भाई, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। चोरी चकारी रोकने के लिए आपको ये सब बंदोबस्त करना पड़ेगा। और ये है चढ़ाई, हिल एरिया की चढ़ाई, ये देखें आप, देख रहे हैं ना आप, ये सामने घर और ये हम चढ़ाई पे चढ़े चले आ रहे हैं ऊपर। ये पूरा हिल एरिया है गुलिस्तान जौहर, ये सामने फ्लैट्स बने हुए हैं और ये पार्क या ओपन एरिया है। ये है यूनिवर्सिटी हिल विलाज, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से आगे रास्ता खुला हुआ है या बंद है? तो ये रास्ता किस तरफ जाएगा? अच्छा एक ऊपर पहाड़ की तरफ जाता है, और ये आगे जाके उल्टे हाथ पे जो रास्ता है वो बंद है वो? शुक्रिया। तो ये है यूनिवर्सिटी हिल विलाज, ये सब विलाज बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये रास्ता तो बंद है भाई, आगे जाके खुला हुआ है, लेकिन वो फिर हम उसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से अभी हमने आपको पहले दिखाया। अब हम वापस इसी रोड पे ढाल की तरफ जा रहे हैं। ओए होए बड़ी अच्छी खासी ढाल है भाई ये सब बैंगलोर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक वन के, ये देखो भाई, ओए होए 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 होए, आ गए भाई, अल्लाह का शुक्र है नीचे आ गए भाई, अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र। ये ऊंची बिल्डिंग बन रही है सामने, तो भाई हिफाजत अब अपनी मदद आपके तहत करनी है, और इसके लिए ज़रूरी है रास्तों में ऐसी रुकावटें रहें कि चोरी की नीयत से आने वाला या तो आ ना पाए, और अगर आ जाए तो निकल ना पाए। चलें यहाँ से इधर चलते हैं, ये भी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक वन का ही इलाका है। ये थल्ला ब्लॉक्स वगैरह, चूँकि नई आबादी है ना, घर बन रहे हैं, अभी काम चल रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, तो इस सब चीज़ों की ज़रूरत तो आपको रहेगी। खूबसूरत गेट, अगेन देखें यहाँ भी गेटेड सिक्योरिटी है। यह है सफारी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक वन गुलिस्तान जौहर, ये सब पूरा नक्शा बना हुआ है। ये अच्छी बात है भाई, कम से कम खुद हिफाजत करेंगे, कोशिशें करेंगे तो महफूज भी ज़्यादा रहेंगे, और बेहतर
तरीके से रहेंगे और आपस में एक दूसरे से मशवरा करके जब कम्युनिटीज़ रहती हैं तो वो ज़्यादा महफूज रहती हैं। ये सामने आ गई ये रोड, ये गुलिस्तान जौहर की तरफ रास्ता जाता है, ये जौहर इन शादी हॉल, ये मामा चाय जंक्शन, ये सर्विस रोड है, ये खेलकूद के लिए यहाँ पे क्रिकेट अरीना है, मेडिकल सेंटर, ये एक और शादी हॉल आ रहा है अल हामिद, तो मजीद अंदर चलते हैं, मजीद दिखाते हैं आपको गुलिस्तान जौहर ब्लॉक वन में क्या सूरत हाल है। ये रास्ता अंदर जा रहा है जौहर में अंदर की जानिब, सड़कें यहाँ भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, काफ़ी ख़राबी है, खूबसूरत घर बने हुए सामने के, साया ऐसा हुआ हुआ है, देखें आप सड़क बिल्कुल साए में छुपी हुई है। और ये फिर कमर्शियल पट्टी फ्लैट साइट, कितने खूबसूरत खूबसूरत घर हैं यहाँ पर, बस दिल चाहता है कि देखते ही रहो। दरख्तों का साया कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल मौसम ऐसा हो गया है कि ठंडा, बहुत ही ठंडा। और ये देखें झूला, आप देखें देखें टायर का इस्तेमाल कैसे किया गया है, आराम से आप झूला झूलें, इस्तेमाल करने का गेम है भाई, दिमाग का इस्तेमाल, आप दिमाग को इस्तेमाल करें, शानदार चीज़ें बन जाती हैं, फिर उसी चीज़ से जो कचरा होती है वही चीज़ आपके लिए खूबसूरत हो जाती है। मज़ीद आगे देखते हैं, मज़ीद दिखाते हैं आपको, ये पहाड़ी सामने देखें आप, पीछे पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये सब झोपड़ियाँ हैं और ये इसके पीछे पहाड़ी है छोटी सी, और ये तो बहुत ही नीचे हो गया है, ये सब जमीन और सड़क के लेवल से देखें कितना नीचे हो गया ये। अब आपको ज़्यादा क्लियर पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा होगा और सब यहाँ पे झोपड़ी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद देखते हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक वन को। यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक वन से, रेस्टोरेंट बने हुए हैं फुटपाथ पे, और ये है सामने रेड लाइन का प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी रोड पे, और ये है सामने कैफे कबाइल, मशहूर ज़माना रेस्टोरेंट है, इसकी भी हमने कुछ वीडियोस बना के आपको दिखाएंगे अपने चैनल पे। तो व्यूअर्स, ये थी एक छोटी सी अपडेट गुलिस्तान जौहर ब्लॉक वन की, कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में किसी और इलाके से। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह।
पाकिस्तान जिंदाबाद।